हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक चौधरी और एक नया केस और एक नई दवाई जो है वो डिस्कस करते हैं। तो केस को थोड़ा सुनिएगा ध्यान से ना। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई केस आया था मेरे पास। तो ये लड़की थी करीब 23-24 साल की और इसको रेकरेंट स्टोमेटाइटिस हो रहा था, ओरल अल्सर्स हो रहे थे, पूरी जीभ में छाले, इसके बड़े बड़े छाले हो रहे थे और कुछ भी ये खा नहीं पा रही थी। मतलब बिल्कुल भी मिर्ची हो, हल्की सी भी, तो इसको एकदम तेज जलता था। तो ये मीठा मीठा खा रही थी, ये जैसे इसकी मदर ने बताया, ये मदर के साथ ही आई थी, तो इसकी मदर ने बताया कि ऐसे सर सूखा जो राइस है ना, मतलब ऐसे सादा चावल है वो खा रही है, या सूखी ऐसे रोटी खा रही है, या ऐसे हम दही में दही और पराठा दे देते हैं, कुछ कुछ मतलब ऐसी चीज़ जो खा, मतलब ये ले। और अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि चबाने में भी इसको दिक्कत आ रही है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है बेटा, कोई दिक्कत है जीवन में, कोई दिक्कत, जो भी यूजुअल हम सवाल पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ से आप परेशान हो, क्या हो। तो स्टार्टिंग में इसने कुछ नहीं बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, छाले हो रहे हैं, बस छाले हो रहे हैं। अब क्या है, इस तरह से मैंने जो यूजुअल जो भी छालों की दवाई है, मर्कसॉल है, बोरेक्स है, सब दे के देखा। अब 1 महीने तक लेकिन कोई रिलीफ नहीं आया, 1% भी रिलीफ नहीं। इसको और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, थोड़े बहुत कम हुए फिर बढ़ गए। अब इनकी क्या है ना, जो मदर है उनका मैं इलाज करता हूँ, तो उनको क्या है, भरोसा है मेरे ऊपर। मतलब वो ठीक हुई हैं पहले भी, इनके फादर भी ठीक हुए हैं, बच्ची के जो फादर हैं, तो दे ट्रस्ट मी। बट यूजुअली इस तरह के इतने ज़्यादा जहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर पेशेंट या जो भी उसके अटेंडर हैं वो इतने टाइम तक नहीं रहेंगे आपके पास। बट यही तो लर्निंग है ना। अब ये पेशेंट को मैं थैंकफुल बोलूँगा उनके घर वालों को, कि उन्होंने फिर भी मेरे को मौका दिया, ठीक ना होने के बावजूद भी दे हैड गिवन मी द अपॉर्चुनिटी एंड दे हेल्ड देयर फेथ इन मी कि मतलब ये ठीक कर सकते हैं। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, फिर लेकर आइए बच्ची को। जब लास्ट में मतलब 3-4 प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी आराम नहीं आया तो मैंने बोला एक बार फिर बुलाइए। बुलाया मैंने, फिर वही सवाल किया। मैंने बोला कि इतने ज़्यादा जो आपको छाले हो रहे हैं, आप परेशान हो क्या किसी से? कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई बात है, आप बोल नहीं पा रहे हो, क्या दिक्कत है? कोई ऐसी दुख है मन में, क्या है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई आपको परेशान कर रहा है क्या? तो उसने मम्मी की तरफ देखा ऐसे गुस्से से। मैंने बोला क्या हुआ, मम्मी परेशान कर रही हैं? तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मम्मी तो नहीं परेशान कर रही है, पापा है ना मेरे, उन्होंने ना डॉक्टर मेरे को परेशान करके रखा है। मैंने बोला ये बच्ची इतना कम बोलती थी, एकदम से क्या हो गया उसको? मैंने बोला क्या परेशान करके रखा है बेटा? तो बोलती है कि अरे बार बार है ना, मतलब कोई, मैं काम करते रहती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरे को बोलेंगे कि है ना चाय बना दो, ये रख दो, वो कर दो, बार बार ऐसे बेटा 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 करके बोल देते हैं, मेरा काम सब डिस्टर्ब कर देते हैं, दिन भर डॉक्टर साहब सुबह से शाम तक परेशान करके रखते हैं, मेरे को शांति से बैठने ही नहीं देते हैं, ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो, उनके हिसाब से करूंगी क्या मैं? तो मैं बोला अच्छा, और कोई बात है? बोलते नहीं नहीं और कोई बात नहीं है डॉक्टर, आई एम सॉरी। तो अच्छा, तो उनसे परेशान हो आप? तो आप परेशान करते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं मेरे को। तो उसकी वॉइस तेज हो गई। मैं बोला अच्छा, तो फिर मैंने उसको बोला अच्छा थोड़ा आप बैठो, मैं मदर से बात करता हूँ थोड़ा। तो मैंने मदर से पूछा, मैं बोला क्या बात है, फादर के साथ इसके कैसे रिलेशन है? बोलती है डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये ना क्या है कि अब फादर इसको नॉर्मली भी जैसे कुछ बोलते हैं कि तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो ये चिड़चिड़ इसका स्वभाव ही है फादर को लेके। अब क्या हुआ था ना कि डॉक्टर साहब इसको जो स्ट्रीम लेना था कॉलेज में ना, तो वो इसको लेने नहीं दिया, इसको ज़बरदस्ती सर फोर्स किया कि ऐसा साइंस में जाओ, साइंस में जाओ ऐसे करके। तो ये इसको इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टर साहब, इसको आर्ट में इंटरेस्ट था और उन्होंने ज़बरदस्ती इसको कि नहीं नहीं तू BA इसमें ही करो करो, ये सॉरी BSc इसमें ही करो, तुम साइंस उससे करो, ज़बरदस्ती है। फिर इसके नंबर कम आए तो फिर उन्होंने बोला कि पढ़ाई नहीं करती है, नहीं करती है। तो
वही सर मेरे को लगता है कि शायद उस चीज को लेके इसको मन में है कि क्या है। अब इसके फादर इसको जरा सा सा कुछ बोल देते हैं ना कि बेटा ये चाय बना लो या ये कर लो कुछ भी, डॉक्टर साहब हल्का फुल्का जो नॉर्मल एक फादर सर बोलता है, हम लोग सोचते हैं क्या ऐसा कर दिया, ये तो एकदम चिड़चिड़ा जाती है, एकदम परेशान हो जाएगी। कभी जैसे पानी पी रही है उस समय अगर इसके फादर ने बोल दिया तो बोतल फेंक देगी एकदम, ठीक है, या जैसे पेपर पढ़ रही है कुछ कर रही है बोल दिया तो पेपर ऐसे पकड़ के फाड़ दिया इसने, उठा के फाड़ के फेंक देती है। अच्छा बोलती है हमेशा सर इसका एक ही रहता है कि कितना परेशान करोगे मेरे को, कितना परेशान करोगे, बहुत हाई उसमें चिल्लाती है। हम भी सोचते हैं डॉक्टर साहब इतना क्या हो गया, इतना क्या परेशान कर दिया है फादर ने। अच्छा चलिए ठीक है, तो इसको बच्ची को अब देखिए ना ये क्या होता है ना, कई बार केस इनिशियली नहीं खुलता या इतनी स्किल नहीं है, अभी तो स्किल की ही बात ज़्यादा है। देखिए पेशेंट जो है ना उसकी गलती नहीं होती है, वो तो सिर्फ इलाज लेने आया, उसको नहीं मालूम आपको क्या चाहिए, आप कैसे जानना चाहते हो, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे, उसको केस टेकिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं मालूम, तो उतनी स्किल नहीं थी शायद मेरे पास उस समय। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, अब 1 महीने होने के बाद में ही चल सही, पर ये फीलिंग थोड़ी मेरे को अब समझ में आई है। तो मैंने उसको लाइसिन दिया था, लाइसिन 200 का डोज दिया और 3 दिन की जो यूजुअल दवा है वो दी। मैंने बोला आप बताइए अभी, पहले 3 दिन में बताइए फिर देखते हैं। तो 3 दिन के बाद क्या हुआ कि उसकी मदर का फोन आया कि डॉक्टर साहब अभी क्या है आपने जो दवा दी थी तो नेक्स्ट डे से ही, मतलब आपने शाम को दवा दी है, नेक्स्ट डे से ही खा तो रही है डॉक्टर साहब, थोड़ा 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 आराम तो लग रहा है, छाले डॉक्टर साहब अभी तो हैं ही हैं, अब हमें तो समझ नहीं आ रहा उतने हैं कि कम है, लेकिन ये अब खा रही है। मैंने मतलब खाने में थोड़ी हरी मिर्ची लाल मिर्च तो सर हम इसकी वजह से डालते ही नहीं है, तो हरी मिर्ची डाली है तो इसने खा लिया है। मैंने बोला अच्छा चलिए खा लिया तो अच्छी बात है, अब थोड़ी दवा और ले जाइए। तो मैंने फिर से वही यूजुअल मेडिसिन इनको और दे दिया, 5 दिन का और दिया, तो ऐसे 8 दिन निकल गए। 8 दिन के अंदर जो इतने ज्यादा छाले थे वो ऑलमोस्ट 80-90% रिग्रेस हो गए, और अब ये बच्ची खा रही है, चिड़चिड़ थोड़ा कम हो गया, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है पर थोड़ा कम हो गया है। फादर से अभी भी लड़ाई होती है इसकी, झगड़ा करती है ये, लेकिन उतना नहीं है अभी। अब ऐसे जैसे ट्रीटमेंट इसका चलने लगा ना, तो 2 हफ्ते लगे होंगे लगभग, अराउंड हाँ 13-14 दिन लगे होंगे, 15 दिन, और पूरा खत्म हो गया ये अल्सर। उसके बाद फिर एक बार और हुए बीच में, जब ये कहीं बाहर बाहर गए थे अपने गांव या कहीं गए थे तो उधर इसको 1 दिन के लिए हुआ और फिर वो अपने आप ही ठीक हो गया, बिना दवाइयों के ही सही हो गया। तो अब यहां से अब देखो ये जो लाइसिन है ना, ये दवा को मैंने बहुत लेट समझा है, लेट इन अ सेंस कि जैसे बहुत सारी दवाइयाँ जो हम यूजुअली क्लिनिक पर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने हायोस के बारे में बात की है, लेकिसिस के बारे में बात की है, लाइकोपोडियम, बेलाडोना है ना, हमने बहुत फास्फोरस बहुत दवाइयों के बारे में बात करी हुई है, लेकिन अब ये एक पुरानी दवा है ना, ये पॉलीक्रेस्ट ही है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं और अच्छे से प्रूवन दवा है, लेकिन फिर भी इसको यूजुअली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था मैं, कभी किया ही नहीं था एक्चुअली। तो जब सीख लिया इसको तो अब मैंने इसको उसके बाद फिर और कुछ केसेस में दिया, लेकिन ये चूंकि पहला केस था ना तो ये मेरे लिए लर्निंग केस था। अब इसकी जो कोर फीलिंग है उसको अगर हम समझेंगे लाइसिन की, तो दैट इज डेल्यूशन, टॉर्मेंटेड ही इज। अब टॉर्मेंट का क्या मतलब है देखिए, इसको ना कुछ कुछ मैंने लिखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोलने में स्किप हो जाती है ना, तो अब मैंने इसका जो कोर बात है लाइसिन के अंदर वो यही है। टॉर्मेंटेड का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो ये जो है ये मैंने डिक्शनरी से ये चीज़ निकाली है, मरियम वेबस्टर से इन्होंने लिखा है कि इट इज़ अ नाउन है ना, ये नाउन है टॉर्मेंटेड, एक्सट्रीम पेन और एंग्विश ऑफ बॉडी और माइंड, बॉडी और माइंड, या सोर्स ऑफ वेक्सेशन एंड पेन, द इन्फ्लिक्शन ऑफ टॉर्चर। कुछ एग्जाम्पल है कि जैसे आफ्टर ईयर्स ऑफ टॉर्मेंट शी लेफ्ट हर हस्बैंड, ही वॉज सो टॉर्मेंटेड बाई नाइटमेयर्स
अबाउट द एक्सीडेंट। तो ऐसे ये शब्दों को, वो सेंटेंसेस में इस शब्द को यूज कर सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल थे। और वर्ब के तौर पर इसको, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, टू कॉज सीवियर यूजुअली परसिस्टेंट और रेकरेंट डिस्ट्रेस ऑफ बॉडी और माइंड। तो यहां पे समझना क्या है ना कि ये जो जहां पर भी टॉर्मेंट शब्द हम यूज करते हैं, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर माइंड, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर बॉडी। और लाइसिन के अंदर यही फीलिंग है कि लाइसिन में क्या होता है ना कि ये जो टॉर्मेंट है ये उसको फील होता है कि उससे उसको बहुत ज्यादा फिजिकली भी परेशान किया जा रहा है। अब ये जो लड़की है ये कैसे चिल्ला रही है, किस तरह से जोर जोर से बोल रही है, अब इसमें वो सारे रूब्रिक हैं, वो बार्किंग वाले, हाउलिंग वाले, तो उसको आप फिर कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे ये चिल्ला रही है जोर जोर से कि आप है ना मतलब मेरे को परेशान करते हो, मेरे को चाय बनवा। अरे चाय ही तो बनवा रहे हैं फादर, अपने बोल दिया कुछ सामान रख दे बेटा, ये कर दे, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि परेशान कर रखा है सुबह से शाम तक, ना तो पढ़ने देते हो ना तो ये करने देते हो। ठीक है, तो यहां होता क्या है ना, लाइसिन जो है उसको ऐसा महसूस होता है कि उसी को स्पेसिफिकली टारगेट करके एकदम यातना दी जा रही है। ठीक है, हिंदी वर्ड में अगर उसको समझें तो दैट इज यातना, इतना ज्यादा फिजिकल पेन और मतलब परेशान, एंग्विश, मेंटली ही सो फ्रस्ट्रेटेड। ये जो इंटेंसिटी है इसको समझना जरूरी है और इसीलिए फिर लाइसिन बीमार होता है। इतने बड़े बड़े छाले, अब छालों के केस में यूजुअली लाइसिन आप नहीं सोचोगे, है ना, हम सारी यूजुअल दवाइयाँ जो भी हम जानते हैं, मर्कसोल से सबसे कॉमन दवा है ना, बोरेक्स है, आर्सेनिक है, नक्सोमिका, जो भी दवाई होती है, पर लाइसिन नहीं सोचोगे ना। पर ये बात होती है जब हम कोर फीलिंग को समझते हैं मरीज की, जो दवा का जिस्ट है जब वो मरीज में दिखने लगता है ना तो फट से ठीक होता है फिर पेशेंट। अब छाले थे लेकिन उसने खाना शुरू कर दिया, वो पेन कम हो गया उसको, वो जो मिर्ची के प्रति टॉलर, मम्मी बोलती है कि डॉक्टर साहब हल्की सी मिर्ची लगती थी तो आप ये जानबूझ के डाली हो ना मिर्ची ताकि मेरे को तीखा लग जाए, मम्मी पे भी बात कर रही हो किस तरह से। तो इसके ना बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक्स हैं, देखिए मैं पढ़ता हूँ और ये फिर ना ये जो केस सुनाया मैंने इससे ये पूरा जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके लिए और आपको फिर लाइसिन जो है इजीली आप प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। देखिए इसका जो मेन रूब्रिक जिसकी हम टॉर्मेंटेड की बात करी वो है, उसके अलावा इसमें है डेल्यूजन, अब्यूज्ड बींग, अटैक्ड बींग, रॉन्ग सफर्ड, यानी ये सब चीजें हैं इसके अंदर। अब्यूज किया जा रहा है उसको, है ना, अटैक किया जा रहा है। अब जैसे ये शंकरन जी ने अपने उसमें सोल ऑफ रेमेडी में बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में कि जैसे एक कुत्ते के समान, अब वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं कि वो कुत्ते से लिया गया इसको, उसकी ही लार से ये एक्सट्रैक्ट हुआ है हाइड्रोफोबिनम, है ना, तो वो फीलिंग वही है कुत्ते वाली कि मैं डिपेंड तो हूं इसके ऊपर, ये मेरे को सता रहा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसके लिए क्योंकि अल्टीमेटली मालिक वही है, वो अपने हिसाब से मेरे को जैसे भी मार रहा है, पीट रहा है, लात दे रहा है, खाना खिला रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो मैं बस चिल्ला सकता हूँ उसके ऊपर, भौंक सकता हूँ, काट भी सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मालिक वही है, मेरा लीश उसी के हाथ में है, ठीक है ना, पट्टा उसी ने बांध के रखा हुआ है गले। तो कोई पावरफुल फोर्स है उससे ज्यादा पावरफुल है इस केस में फादर है उसके लिए। बार्किंग, ग्राउलिंग लाइक अ डॉग, इस तरह से वो देख भी ऐसी रही है मदर की तरफ, जब मैंने उससे पूछा कि कोई आपको परेशान करता है, इस तरह से, ठीक है, जैसे गुर्रा रहा है वो, है ना, अटैक अदर डिजायर टू, किल डिजायर टू, है ना, बाइटिंग पिलो, देख ये सारे, देखो ये सारे कुत्ते वाले जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं। डेल्यूजन, डू नथिंग ही कुड डू, कुछ कर नहीं सकता वो, कैसे करेगा, कुत्ता है ना वो, तो बस भौंक सकता है, काट सकता है।
एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एंगर वेकिंग ऑन, थ्रोस थिंग्स अराउंड, उठा के फेंक दिया बोतल, ठीक है, फियर सोल्ड ऑफ बीइंग, सोल्ड मतलब कोई बेच कैसे सकता है आपको, है ना, जब वो उसकी उसके हाथ में आपकी लगाम होगी तभी वो बेचेगा ना। ये फीलिंग हायोसाइमस में भी होती है कि डॉक्टर लोग इतनी महंगी दवाइयां लिखते हैं करते हैं, डॉक्टर साहब क्या करो तो बेच ही डालेंगे अपन को, तो वहां वो हायोस की अलग फीलिंग है। अब यहां पर क्या है कि ये जो फोर्स है उतना पावरफुल है, उसी के हाथ में सब कुछ, वो हो सकता है कि आप ये है तो मालिक ही, तो इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, बेच ही देगा, नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे तो, इसीलिए अल्टीमेटली चलना पड़ता है। लेकिन फिर वो फीलिंग आती रहती है, परेशान कर रहा है परेशान कर रहा है परेशान कर रहा है, ठीक है। और ये जो अब्यूज्ड वाली बात है ना, ये फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसे केसेस जहां पर सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, बच्चों को बहुत मारा पीटा गया हो, उसको जबरदस्ती बोला गया हो कि तू ऐसा नहीं ऐसा कर, बाएं हाथ से क्यों लिख रहा है, राइट हैंड से लिख, यहां इस केस में भी वो सब्जेक्ट नहीं लेना है, साइंस ले लो, है ना। तो अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग फिजिकली, अब्यूज्ड इन मैरिज, अब मैरिज क्या है, यूनियन है ना, अब तो मैरिड हो, अब मैरिड में आप सह रहे हो उस चीज को, तो जरूरी नहीं है सिर्फ औरतों पे अप्लाई हो, मेन पे भी अप्लाई हो सकता है, किसी ऐसे रिलेशन में अप्लाई हो सकता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, माँ का पिताजी का, जहां पर आप उस उसके साथ में हो, बंधे हुए हो और एब्यूज चल रहा है कंटिन्यूसली। अब वो एब्यूज मेंटल लेवल पर भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पर भी हो सकता है। एब्यूज आफ्टर बींग सेक्शुअली, तो रेप के जैसे केसेस है, ठीक है, उन केसेस में भी यू कैन ईजिली थिंक ऑफ लाइसेंस। बट क्या होता है ना, देखो अब देखो थिंक वाली बात क्या है, हमको सटीक चलना होता है ना, केस को जब भी हम देखते हैं और रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं तो सटीकता बहुत जरूरी है, सिर्फ अंदाजे पे नहीं कर सकते हम काम, तो रिएक्शन बहुत जरूरी है। एब्यूज में बहुत दवाइयां हैं लेकिन सबका रिएक्शन अलग है ना, तो लाइसिन का क्या रिएक्शन है, वो गुर्राने वाला काटने वाला जो रिएक्शन है, नॉट लिटरली भी काटे बट वो काट तो रहा ही है ना, कैसे उल्टा सीधा सुना रही है वो अपने फादर को, कैसे चिल्ला रही है, फादर है उसके वो, पर फिर भी कर रही है ऐसा, अपने आस पास मदर को भी कर रही है वो, तुम्हें परेशान किया है, है ये मिर्ची ज्यादा जानबूझ के डाली हो तुम, मतलब दूसरे ने कोई गलती करी है और परेशान हो गया, रॉन्ग सफर्ड हो रहा है उसको, उस वजह से वो भी टॉर्मेंट की फीलिंग है। तो ये कोर घूम कर वही आता है टॉर्मेंटिंग का, कोई ना कोई इंसल्ट किया गया, मेरे को छोटा दिखाया गया है, मालिक बड़ा है, कुत्ता उससे नीचे ही है ना, तो मेरे को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, डेल्यूजन इंसल्टेड, डेल्यूजन क्रिटिसाइज्ड, डेल्यूजन एनिमल, डेल्यूजन डॉग, ही इज अ डॉग, ग्रोल्स एंड बार्क, गुर्राओ भौंक ही सकता है, कुत्ता ही है वो, उसको ये फीलिंग है, ठीक है। एंगर अल्टरनेटिंग विथ रिपेंटेंस क्विक, इतना गुस्सा किया ना फिर धीरे से आया ना, आई एम सॉरी डॉक्टर, ठीक है, तो उसको लग गया कि उसने बहुत तेज आवाज में बोल दिया, चिल्ला दिया है, अपना गुस्सा तो जाहिर कर दिया उसने, लेकिन फिर वो रिपेंटेंस आया हल्का सा, मतलब अब क्या कि जैसे ये सामने वाला जो है, अब वो उसको जरा सा भी कुछ बोलता है, आवाज भी लगाते हैं फादर, क्या रे बेटा, तो उसको लगता है इसीलिए बुलाया मेरे को। रूब्रिक है एंजाइटी, चर्च बेल फ्रॉम हियरिंग, जैसे चर्च की बेल बजती है तो मतलब आ गया बुलावा, भगवान जी का बुलावा आ गया, ठीक है, तो उसको चिंता हो जाता है तुरंत कि अरे बुला लिया, अब करेगा परेशान मेरे को, ठीक है ना, सभी हंस रहे हैं उसके ऊपर। रूब्रिक है अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग फिजिकली इंसल्टेड ही इज, और मॉकिंग अदर्स आर मॉकिंग हिम थिंग्स, मॉक कर रहे हैं उसको, हंस रहे हैं उसके ऊपर, और जब
इतना ज्यादा आप टॉर्मेंट रहोगे किसी से, इतना ज्यादा जब आप आपके अंदर ये फीलिंग रहेगी कि परेशान किया जा रहा है, हंसा जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, तो फिर रिप्लाई भी ऐसे ही आता है इसका। इसमें जो रूब्रिक्स है इसके आंसर करने का तरीका वो स्नैपिशली होता है। हाँ तो हाँ ऐसा करूंगा तो हाँ ठीक है, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, नहीं करना, ठीक है। ये जो होता है ना, दिस इज स्नैपिंग। ये अब इसमें देखो ना रूब्रिक कैसा है, आंसर रिफ्यूजेस टू, आंसरिंग एवर्जन टू, आंसर ऑफेंसिव, आंसरिंग स्नैपिशली, आंसरिंग स्नैपिशली हेडेक ड्यूरिंग, सर में दर्द हो रहा है, क्या नहीं करना, हट, ठीक है। ये इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग, रेस्टलेसनेस नर्वसनेस हेडेक ड्यूरिंग, ठीक है ना। और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो रो भी जाता है, वीपिंग टीयरफुल हेडेक ड्यूरिंग। तो ये जो फीलिंग उसकी ना, कि लोग जो हैं या कोई भी एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है जो उससे पावरफुल है। अब ये देखो ये ना एल्यूमिना से अलग है, एल्यूमिना में व्यक्ति का रिएक्शन इस तरह से नहीं होता। इट ऑल कम्स डाउन टू नॉट द कॉजेशन बट हाउ द पर्सन रिएक्ट्स। इसीलिए ना देखो एलिमेंट के जो रूब्रिक हैं वो बहुत बहुत सारी दवाइयाँ होती है उसमें, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, लेकिन वो ग्रीफ के प्रति वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, उसके डिल्यूजन क्या है उस ग्रीफ के प्रति, है ना। अब जैसे कि अब एक लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हॉस्पिटल में, तो अब एक जो है वो रो रही है मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उस वजह से बहुत प्यार था, प्यार तो सबको ही होता है, तो अब वो उसको याद कर करके लंबे टाइम तक अब वो ग्रीफ चला जा रहा है उसका। एक को लगता है कि हॉस्पिटल वालों ने कुछ गड़बड़ की है, उस तो गड़बड़ किया है, इतना पैसा ले लिया है और फिर मेरे हस्बैंड चले गए, तो रिएक्शन देखो ग्रीफ तो दोनों को है, लेकिन ग्रीफ कैसा है, वो क्या फीलिंग है उस ग्रीफ की, वो बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन यू हैव टू नो। अब यहाँ देखो ना कितना अच्छा रूब्रिक है, कि बहुत बढ़िया रूब्रिक है ये पूरा, आई थिंक टॉर्मेंट से ज्यादा इस चीज को समझाता है ये रूब्रिक। देखिएगा, डेल्यूजन, ड्रॉइंग सर्कल समथिंग वेयर ड्रॉइंग हर राउंड इन अ हेड स्ट्रेट एंड शी कुड नॉट होल्ड हर, मतलब कोई उसको पकड़ के खींच रहा है, एक सर्कल में घुमा रहा है ना, जैसे वो कुत्ता है उसको पकड़ के चल 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 ऐसे ऐसे ऐसे, उसका वो गर्दन सीधा नहीं कर पा रहा है, ऐसे पकड़ के घुमाया जा रहा है, है ना, उसके वो जो लीश लगी हुई है जो भी, उससे ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहा है, वो सीधा देख ही नहीं सकता, तो किसी और के हाथ में है ना डोरी, अब ऐसे में वो कब तक सहेगा, लेकिन सहने के अलावा कोई और चारा नहीं है, इसी रिलेशनशिप में है वो हमेशा, ऐसे ही वो सह रहा है, और इसीलिए ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। अब ये ठीक ही नहीं हो रहा है स्टोमेटाइटिस, लेकिन जब लाइसेंस देते हैं तो उसी सिचुएशन में, उसी सिनेरियो में व्यक्ति जो है उसकी बीमारी तो ठीक होती ही है, वो धीरे धीरे फिर उस सिचुएशन में एडजस्ट करने लगता है, और यहाँ पे फिर अगेन फिर फैमिली काउंसलिंग और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। बट आपका काम देखो ना, आपका काम है दवाई देना और देखना कि आपकी जो सिमिलिमम है वो कैसे उस व्यक्ति को उसी सिचुएशन में फिर स्वस्थ भी करती है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी ठीक होने लगता है फिर धीरे धीरे, या तो उस एनवायरनमेंट से निकल जाता है, या फिर जो उससे पावरफुल फोर्स है उसको थोड़ा सा नीचे कर देता है, हो सकता है फादर के प्रति जो उसका एटीट्यूड है वो बदल जाए, वो हो सकता है वहां से निकल जाए, आई डोंट नो क्या होगा, पर जो भी होगा वो उसको एक हेल्थ की तरफ ही ले जाएगा, कुछ अच्छे की तरफ ही ले जाएगा उसको, जो उसकी वर्तमान अवस्था है उससे अलग ही ले जाएगा, और बीमारी तो ठीक होती है। तो दिस इज द पावर, दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी, इफ वी प्रिस्क्राइब इट करेक्टली एंड ऑन द बेसिस ऑफ डीपर फीलिंग्स, है ना, जो माइंड मेथड एंड ऑल दैट जो भी हम बोलते हैं। तो इसमें देखिए सहगल सर को हमको थैंक यू बोलना ही चाहिए, और भी जितने भी लोग जो अपने चैनल पर, जितने भी हमारे गुरु लोग हैं, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, सीनियर जूनियर सब हैं, जो कुछ ना कुछ अपना शेयर कर रहे हैं, उन सबका योगदान है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। लाइसिन को और पढ़िए,
और ये कोर फीलिंग को बैठ के सोचिए, आराम से डिक्शनरी में पढ़िए, तीन चार बुक से पढ़िए, पिक्चर देखिए पूरी इसकी, सिंगल रूब्रिक देखिए, है ना, इसमें रूब्रिक है स्वालो कैन नॉट, निगल ही नहीं सकता, कैसे निगल लेगा। अब ये देखो, ये हाइड्रोफोबिया का सिम्टम है, जब हाइड्रोफोबिया डेवलप होता है फुल फ्लेस्ड तो वहाँ पर ऐसा होता है कि वो फिर निगल नहीं पाता है ना, उसको पानी से डर लगने लगता है, ये सारे सिम्टम भी हैं इसके अंदर, सारे रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा मेटाफोरिक भी समझोगे ना, तो उसको ऐसा लगता है कैसे निकलूं, जरूरी है हर चीज जो बोल रहा है वो नहीं करूंगी मैं, है ना। तो अब वो स्टेज आ गई है इसकी, तो लाइसिन को और पढ़िए, अप्लाई कर पाएंगे बहुत इजीली बहुत सारे केसेस में। और वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड।